गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोग आज फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है आपका इरिगेशन स्केड्यूलिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और रियली काफ़ी मज़ेदार सा टॉपिक है, मज़ा आएगा आपको पढ़ के। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और इनके नोट्स के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अवेलेबल है, जाइए उसको ज्वाइन कर लीजिए और आपको वहाँ पे एक प्लस एडवांटेज ये मिलता है कि आप कोई भी टॉपिक को पढ़ते हो तो उस टॉपिक के रिगार्डिंग वहाँ पे क्विजेस अवेलेबल है। आप जाके उस क्विजेस को अटैम्प्ट कीजिए, जिससे आप खुद पे एनालाइज कर सकते हो कि हमने कितना इस टॉपिक से सीखा है। ठीक है, और साथ में आपका MCQ प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर स्टार्ट कर रहे हैं अपने सेशन को। सबसे पहला अगर हम बात करें कि इरिगेशन स्केड्यूलिंग हमको क्या सिखलाता है, तो ये आपको बतलाता है कि हमको कब इरिगेशन देनी चाहिए, कैसे इरिगेशन देनी चाहिए और कितना वाटर हमको हर एक इरिगेशन में डालनी चाहिए। अगर आप 3 इरिगेशन प्रोवाइड कर रहे हो तो क्या तीनों इरिगेशन में आपको वाटर का अमाउंट इक्वल रखना है कि किसी में कम रखना है, तो ये चीज़ आपको इरिगेशन स्केड्यूलिंग से पता चलता है। आप स्केड्यूल क्यों बनाते हो, जिससे आप हर एक चीज़ों को अच्छे तरीके से कर सको, उनकी एफिशिएंसी को मतलब वर्क एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सको, है ना। हम क्या करते हैं, अपना दिन का स्केड्यूल तैयार करते हैं जिससे हम प्रॉपर जिस चीज़ के लिए लगे हुए हैं उस पर हार्डवर्क कर सके, उन पर निरंतर हम मेहनत कर सके। ठीक है, उसी तरीके से हम क्या करते हैं, जो क्रॉप कल्टीवेशन करते हैं तो उसके लिए भी हम इरिगेशन के लिए स्केड्यूल तैयार करते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि हमको कब इरिगेशन डालनी चाहिए, कैसे डालनी चाहिए और कितना वाटर है उस इरिगेशन के लिए रिक्वायरमेंट है। ठीक है, समझ रहे हो नो। आगे बात करते हैं, तो अब इरिगेशन स्केड्यूलिंग करने के लिए हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट सा मेथड है। सबसे पहला है सिंपल टेक्निक, फिर आता है आपका क्लाइमेटोलॉजिकल अप्रोच, फिर आता है आपका सोफिस्टिकेटेड टेक्निक। ये 3 इंपॉर्टेंट से मेथड है जिसके तहत आप इरिगेशन स्केड्यूलिंग को तैयार करते हो। सबसे पहला आता है आपका सिंपल टेक्निक। सिंपल टेक्निक में जो सबसे पहला मेथड है वो है आपका सॉइल कम सेंड मिनी पॉट टेक्निक। अब ये टेक्निक क्या होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप समझिएगा, है ना। यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए सपोज ये फील्ड है आपका, ठीक है ये फील्ड है। आप फील्ड में क्या करेंगे, बीच में जाके छोटा सा एक होल कर दीजिए। होल करने के बाद यहाँ पे इस होल में सैंड पार्टिकल को आप डाल दीजिए। अब आपको सैंड से पूरा जो होल है उसको कवर नहीं करना है, हल्का सा आप यहाँ पे सैंड डाल दीजिए। ठीक है, डाल दिए, डालने के बाद आप वापस इसको मिट्टी से कवर कर दीजिए। ठीक है, कर दिया आपने। अब क्या करना है आपको, जैसे आप नॉर्मल प्लांटिंग करते हो क्रॉप्स का, वैसे आप क्रॉप्स को लगा दीजिए। अब आपने क्या किया, पूरे फील्ड में क्रॉप्स को लगा दिया। ठीक है भाई, हमने लगा दिया, चलो लग गया। अब आपको पता है कि जो सैंड होता है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी वीक होती है, काफ़ी पुअर होती है। तो अब जरा सा आप कॉमन सेंस लगाओ, आप जब आपने क्रॉप कल्टीवेशन कर दिया, आपने इरिगेशन भी प्रोवाइड कर दिया इस फील्ड के अंदर, तो ये वाला जो पोर्शन है वो पहले ड्राई होगा कि ये वाला पोर्शन जो है वो ड्राई होगा। मतलब जो आपने होल किया था, जहाँ पे आपने सैंड डाला था और वहाँ पे जो आपने प्लांट लगाया हुआ है, वो प्लांट सबसे पहले ड्राई होगा जब वाटर की स्कार्सिटी आएगी, या फिर जो नॉर्मल आपने प्लांटिंग किया हुआ है लाइक दिस ये पहले ड्राई होगा क्या आपको, क्योंकि यहाँ पे आपने सैंड डाला हुआ है और उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी वीक होती है, तो ये जो पोर्शन है वो क्या होगा, सबसे पहले आपका ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही वाटर की स्कार्सिटी आएगी। तो अब यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि आपके फील्ड के अंदर वाटर की स्कार्सिटी हो रही है। कैसे, क्योंकि अगर जैसे ही पानी की कमी होगी तो ये वाला जो प्लांट हैं वो सबसे पहले आपके सूखना स्टार्ट हो जाएंगे, मुरझाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप समझ जाइएगा कि आपके फील्ड में पानी की कमी है, आपको पानी डालनी चाहिए, तो फिर आप पानी डाल दीजिए। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है जिससे आप पता कर सकते हो कि हमको इरिगेशन अब दे देनी चाहिए फील्ड के अंदर। नो, दूसरी आता है आपका सोइंग हाई सीड रेट मेथड। इसमें क्या करते हैं, लाइक दिस सपोज ये आपका फील्ड है, हम क्या करेंगे कोने से या फिर कहीं से भी आप 1 मीटर स्क्वायर का एरिया मेजर कर लीजिए और यहाँ पे आप क्या कीजिए, जो नॉर्मल सीड रेट होता है, हम यहाँ पे इस 1 मीटर स्क्वायर को छोड़कर इधर क्या करेंगे, नॉर्मल सीड रेट यूज़ करेंगे जो कि आप नॉर्मली करते आए हो।
ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे नॉर्मल सीड रेट यूज, बट यहाँ पे जो ये 1 मीटर स्क्वायर है इस एरिया में हम क्या करेंगे, हाई सीड रेट यूज करेंगे, ज्यादा सीड रेट हम यूज करेंगे। इससे क्या होगा कि प्लांट का पॉपुलेशन यहाँ पे काफी ज्यादा हो जाएगा क्योंकि आपने हाई सीड रेट यूज किया हुआ है, और इधर पे क्योंकि आपने नॉर्मल सीड रेट यूज किया हुआ है तो प्लांट की डेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं होगी जितना कि यहाँ पे होगा। ठीक है, अब जैसे ही आपके फील्ड के अंदर वाटर की स्कार्सिटी होगी तो सबसे पहला जो सिम्टम्स है आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा आपके प्लांट्स अवेलेबल है तो यहाँ पे प्लांट्स आपके मुरझाने स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर आप समझ जाइएगा कि आपके फील्ड में वाटर की कमी हो रही है, आपको इरिगेशन दे देनी चाहिए। तो ये भी एक दूसरा मेथड होता है जिससे आप पता कर सकते हो कि अपने फील्ड में इरिगेशन कब देनी चाहिए। ठीक है, नो थर्ड आता है आपका फिल एंड अपीयरेंस मेथड, सबसे कॉमन मेथड और हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा यूज फार्मर करता है, तो वो इसी मेथड को यूज़ करता है, फिल एंड अपीयरेंस मेथड। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो ना, क्योंकि कोई फार्मर इतना, आप कभी देखे हो कि कोई फार्मर जैसे आपके घर में भी खेती होती होगी तो आपने कभी देखा है क्या कि आपके जो पापा हैं वो कभी ऐसा कुछ करते हैं पता करने के लिए कि इसमें पानी अब डालना है कब डालना है। ठीक है, कभी ऐसा करते हो आपने नहीं देखा होगा, वो मोस्टली उनके पास इतना एक्सपीरियंस आ जाता है कि वो फील्ड को देख के समझ जाएंगे कि अच्छा सूखा पड़ रहा है, दैट मीन्स कि इसमें पानी की ज़रूरत है, तो वो देख के ही फील कर लेते हैं कि इसमें क्या है, पानी की ज़रूरत है। तो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेथड कौन सा है, फील एंड अपीयरेंस मेथड। ठीक है, नो अगला आता है आपका टेंसियोमीटर, आप ये इंस्ट्रूमेंट होता है, इस इंस्ट्रूमेंट का दूसरा नेम क्या है, या आप सही सोच रहे हो, इसका दूसरा नेम होता है ईरोमीटर। तो इससे हम क्या करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हम पता कर लेते हैं कि हमारे फील्ड में कितना मॉइस्चर अवेलेबल है, तो अगर वो 0.8 बार, ठीक है, इतना आता है उसका, अगर आप रीडिंग लोगे और 0.8 बार आता है, दैट मीन्स कि आपको अपने फील्ड के अंदर इरिगेशन करने की आवश्यकता है। ठीक है, मतलब 1 बार से अगर कम आ गया तो फिर आपको इरिगेशन करने की ज़रूरत है, मोस्टली अगर 0.8 तक का भी आता है तो फिर आपको इरिगेशन करने की आवश्यकता है। ठीक है, अगला आता है आपका डेफिसिट इरिगेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा ये मेथड है। देखिए ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, सपोज़ कि आप क्रॉप कल्टिवेशन किए और काफ़ी ज़्यादा वाटर की स्कार्सिटी हो गई, मतलब इतना इरिगेशन आपके पास अवेलेबल नहीं है, इतना पानी अवेलेबल नहीं है कि आप पूरे फील्ड में इरिगेशन दे पाओ, अगर आप दोगे भी तो भी प्लांट्स की जो नीड है वो पूरा नहीं हो पाएगा, तो इस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं डेफिसिट इरिगेशन। और ये इरिगेशन रियली काफ़ी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है ना, जैसे कि अब जब डेफिसिट इरिगेशन होता है ना, तो इनकी जो एफिशिएंसी होती है वाटर यूज एफिशिएंसी वो 38.3% रहती है, कब, जब वाटर की डेफिसिट होगी तो। बट जैसे आप इस मेथड का यूज़ करेंगे तो इनकी वाटर यूज एफिशिएंसी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, सो 38.3 से पहुँच जाएगा कहाँ पे, ये 52.57% पे पहुँच जाता है। आप सोच सकते हो कि जब वाटर की डेफिसिट था तो उस कंडीशन में उनकी वाटर यूज एफिशिएंसी कितनी थी, 38.3%, पर जैसे ही आपने ये मेथड को यूज़ किया तो इस मेथड का यूज़ करते ही उनकी वाटर यूज एफिशिएंसी कितना बढ़ गई, 52.57%, सोच सकते हो। तो अब इनके लिए जो हम मेथड लेके आते हैं, इनकी जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने के लिए जो हम मेथड लेके आते हैं वो है आपका पार्शियल रूट ड्राइंग मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड लाएंगे जिससे आपका डेफिसिट इरिगेशन का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, तो टॉप उसको आप लिख लीजिए कौन सा है, पार्शियल रूट ड्राइंग मेथड। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, सपोज ये आपका, इसमें इरेज कर रहा हूँ, आपको ये नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, ये आपने प्लांट को लगा दिया या फिर जो आपके क्रॉप्स आपने लगा दिया, ये इनकी रूट्स हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा कि फर्स्ट इरिगेशन जब हम प्रोवाइड करेंगे तो हम ये साइड से इरिगेशन प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, अब जब आप इधर से इरिगेशन प्रोवाइड करेंगे तो ये एरिया क्या होगा, ये एरिया वेट होगा और ये एरिया आपका ड्राई होगा, और जो रूट्स है उनके हाफ पोर्शन इधर वाले क्या होंगे, वेट हो जाएंगे, इधर पोर्शन आपके ड्राई हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट इरिगेशन में आपको एक साइड से प्रोवाइड करनी है, सेकेंड इरिगेशन जब प्रोवाइड करोगे तो इधर से प्रोवाइड करेंगे, तो इससे क्या होगा कि ये वाला पोर्शन जो है, अब क्या होगा, ये पोर्शन ड्राई था तब ये पोर्शन वेट हो जाएगा, ये पोर्शन ड्राई हो जाएगा। ठीक है, हाफ जो रूट था वो पहले इधर ड्राई था, अब ये क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा, इधर ड्राई हो जाएगा। तो इस टाइप का अगर आप
मेथड यूज करते हो, इसको हम बोलते हैं पार्शियल रो ड्राइंग मेथड। तो जो डेफिसिट कंडीशन में भी क्या होता है, इरिगेशन की जो वाटर यूज एफिशिएंसी होती है वो आपका इंप्रूव कर जाता है। सोच सकते हो 38% से लेके कहाँ पहुँच ज़्यादा डायरेक्ट 52%, कितना ज़्यादा एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो ये एक मेथड होता है। नो, अब हम बात करते हैं आपका क्लाइमेटोलॉजिकल अप्रोच, जो कि दूसरा आपका मेथड था। इसमें हम देखते हैं IW और CPE का रेशियो। इनका रेशियो जो है वो अगर आपका 0.75 से लेके 0.8 तक आता है तो आपको इरिगेशन दे देनी चाहिए। ठीक है, मतलब 1 के अप्रॉक्स भी आएगा तो आपको इरिगेशन दे देनी चाहिए। कितनी देनी चाहिए? अप टू 5 सेंटीमीटर तक की इरिगेशन आपको प्रोवाइड कर देनी चाहिए अपने फील्ड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्टली हम लोग आपका इवेपोट्रांसपिरेशन वगैरह को देखते हैं। ठीक है, नाउ आगे बात करते हैं सोफिस्टिकेटेड टेक्निक। इसमें हम जो कि बड़े बड़े कंट्री होती है ना, वो इसको यूज़ करते हैं। मोस्टली हमारे इंडिया के अंदर हमारे फार्मर्स के पास उतना बजट नहीं होता है कि वो इस मेथड का यूज़ करके पता कर सके कि हमको फील्ड में कब इरीगेशन देनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के फार्मर्स ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होते तो हर हैं, लेकिन हमारे पास उतना एजुकेशन नहीं है, उतना डेवलप हमारा कंट्री अभी नहीं है एग्रीकल्चर फील्ड में कि वो इंफ्रारेड थर्मोमेट्री का यूज़ करे और फिर वो पता कर सके कि इस पे वाटर कब देनी है, या फिर वो रिमोट सेंसिंग का यूज़ करे जिससे वो पता कर सके कि भाई इसमें हमको कब इरीगेशन प्रोवाइड करनी है। तो अभी इतना हाई हमारा एग्रीकल्चर उतना हाई लेवल पर नहीं पहुँचा है कि कोई फार्मर इंफ्रारेड थर्मोमेट्री का यूज़ करे या फिर रिमोट सेंसिंग का यूज़ करे सिर्फ ये पता करने के लिए कि हमारे फील्ड में इरिगेशन कब अप्लाई करनी है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से मेथड्स थे जिससे आप पता कर सकते हो कि हमको कब इरिगेशन देनी चाहिए, कैसे देनी चाहिए और कितना वाटर हमको देनी चाहिए। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो होप सो आपको समझ में आया होगा। एक छोटा सा टॉपिक था जो कि आपको समझनी चाहिए और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में होता है। कोई भी आपसे पूछ देगा कि भाई आप इरिगेशन शेड्यूलिंग कैसे करते हो, तो ये आप कुछ मेथड्स हैं जो कि आपको वहाँ पे समझाने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आप डेफिनेटली हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये नोट्स अच्छे से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप समझाने के पर्पज़ से मैंने उस तरह का उस टाइप का लिखा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।